नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुर्ते की कटिंग। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाप। 37 दोस्तों लंबाई है और 37 सीना है। और दोस्तों 36 इंची कमर है, 25.5 इंची घेरा है और 23 इंची बाजू है, आस्तीन। तो इसी नाप से कटिंग कर दिखाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको घेरा के हिसाब से यहाँ पर आपको रख लेना है। घेरा हमारा 25.5 इंची है। तो यहां पर देखिए 13.5 पे आपको मार्क करना है और 1/2 इंच यहाँ दबाकर छोड़ना है। तो इसलिए हमने कपड़ा यहाँ पर रख लिया है। और यहाँ पर देखिए सीधा मार्क खींच लेते हैं। और दोस्तों यहां से नापते हैं इसकी लंबाई। दोस्तों लंबाई है 37 इंची। तो यहां पर हम रखेंगे 38 इंची पर, 1 इंची नीचे मार्जिन के लिए, 1 इंच ऊपर, आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए, आधा इंच नीचे मार्जिन के लिए रखेंगे यहां पर। यहाँ से 1.5 इंची पर निशान लाएंगे। दोस्तों आर्मोल के लिए यहाँ पर 37 इंची हमारा सीना है, तो यहाँ पर आर्मोल हम करेंगे 8.5 इंची। और दोस्तों यहाँ से आपको 7 इंच पर एक मार्क करना है पॉकेट के लिए। या इस तरीके से समझ लो, ये समझ लीजिए यहाँ पर 16 इंच पर मार्क कर लीजिए ऊपर वाले निशान से। अब इसका नापते हैं तीरा। साढ़े 17 इंच तीरा है, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच रखेंगे। और यहाँ पर 2.5 इंची रखना है आपको और 2.5 इंची यहाँ पर रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप राउंड देंगे और यहाँ पर इस तरीके से घंटी लगानी है। सैंतीस इंच सीना है, 9.25 इंच, 2 इंच यहाँ पर लूजन देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा 11.5 इंची है, तो यहाँ पर 1/2 इंची कम कर सकते हो। तो यहाँ पर 1/2 इंच कम का निशान लगाना है आपको। और यहाँ पर घेरा मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ पर देखिए 25.5 इंच घेरा है और यहाँ पर दबाव के लिए। अब इस निशान से यहाँ पर 1/2 इंच निशान अंदर रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मार्क लगाने हैं।
लेते हैं कटिंग। अब देखिए हमने कपड़ा उठा लिया है बैक फ्रंट काटने के लिए, तो यहाँ पर आग वाला फ्रंट इस तरीके से रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए बैक साइड उठाएंगे 2.25 इंची, 2.25 इंची यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 2.25 इंची। यहाँ से 2.75 इंची पर, यहाँ से 1 इंची इस तरीके से, और यहाँ बॉर्डर के लिए देखिए आपको रखना है 6 इंची पर इस निशान से 6 इंची, और यहाँ पर 2 इंची पर। यहाँ पर कट लगा लेंगे आप। आज देखिए हम निकालेंगे हम इसकी आस्तीन, तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। यहां से 3 इंची पर, यहाँ पर लेंगे दोस्तों 8.5 इंची, और डांडी बनाइए दस दिन के बाद। अब देखिए आस्तीन की लंबाई है यहाँ पर 23 इंची, तो यहाँ पर हम 3.5 इंची मार्क करेंगे।
और यहाँ से लेंगे 2.5 इंची पर, और यहाँ से 2 इंची पर इस तरीके से मार्क करना है आपको। बड़ा वीडियो बना रहा है।